सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वर्कआउट वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। और आज के वर्कआउट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेयर ऑफ डंबल से आप अपनी बैक को कैसे ट्रेन कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। आज के वर्कआउट वीडियो में हम टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस जो करेंगे वो होंगी 7। और हमारी एक्सरसाइजेस हैं डंबल प्लोवर, कर्ल ग्रिप, बेंट ओवर रो, हॉरिजॉन्टल लैट पुल, बोथ आर्म डंबल रो, रिवर्स हाइपर एक्सटेंशन, डेडलिफ्ट एंड लास्ट वन इज अंडर हैंड ग्रिप लेटरल विद वायर रेजेस। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे डंबल प्लोवर। जनरली आप सभी लोग डंबल प्लोवर क्रॉस बेंच लेट के करते हो, मैं स्ट्रेट लेट के करूंगा, जिसमें मुझे आराम से लेटना होगा। दोनों फुट को आप बेंच पे ही रखेंगे, नीज बेंड। उसके बाद आप आर्म्स को थोड़ा स्टिफ रखेंगे और पीछे लेके जाएंगे, जब तक आपके लैट मसल अच्छे से स्ट्रेच ना हो जाए। जैसे ही आपके लैट मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, वहां से आप डंबल को वापस लिफ्ट करोगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप डंबल को फेस तक ही लिफ्ट करें, तो बेसिकली अंदर ना लेके आए। और यहाँ आने के बाद आप डंबल को दोबारा आराम से छोड़ें, मेक श्योर थोड़ा कंट्रोल वे में करें, सो दैट आप मसल पे फील कर पाए। और जब भी आप डंबल को लिफ्ट करते हो, तब आपको ब्रीद आउट करना है स्लो एंड कंट्रोल। नंबर ऑफ रिपीटेशन आपको करने हैं 15 एंड नंबर ऑफ सेट्स 3। सेकेंड एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे कर्ल ग्रिप बेंड ओवर रो। करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेट खड़े हो जाएं, कोर टाइट, चेस्ट लिफ्ट, उसके बाद पेल्विक बोन से बेंड होंगे एंड दोनों डंबल को हम सामने की तरफ रखेंगे एंड कर्ल ग्रिप होल्ड करेंगे। उसके बाद जस्ट लिफ्ट करेंगे दोनों को टिल द टाइम डंबल आपके पेल्विक बोन के क्लोज ना आ जाए। होल्ड इट हेयर फॉर अ सेकेंड एंड रिलीज इट स्लोली। जब भी आप डंबल लिफ्ट करते हो, ब्रीद आउट करो, अपर बैक को अच्छे से स्क्वीज करो, तब डंबल को रिलीज करो कंट्रोल वे में, सो दैट आप अपने मसल को टारगेट कर पाओ। नंबर ऑफ सेट्स आपको करने हैं 3 और हर सेट में आप 12 से 15 रेपिटेशन करने की कोशिश करो। थर्ड एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे हॉरिजॉन्टल लैट पुल। करने के लिए आपको पेट के बल लेटना होगा, आराम से दोनों हाथों को रखेंगे सामने की तरफ और यहाँ पे हम दो हल्के डंबल का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले आप चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, उसके बाद दोनों डंबल को लिफ्ट करें और यहाँ से आप आराम से डंबल को पुल करते हुए स्क्वीज करें अपर बैक को, होल्ड इट हेयर, ब्रीद आउट एंड अगेन सामने की तरफ, फिर दोबारा से डंबल को पुल करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप टारगेट कर सकते हो अपने मसल को, उतना करें। पुल, ब्रीद आउट एंड स्क्वीज योर अपर बैक स्लो एंड स्टेडी। थ्री सेट्स आपको यहां पे परफॉर्म करने हैं और हर सेट में आप 12 से 15 रेपिटेशन करने की कोशिश करोगे। फोर्थ एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे बोथ आर्म डंबल रो। करने के लिए आपको पेल्विक बोन से बेंड होना होगा, बहुत ज्यादा बेंड नहीं कर सकते। सो चेस्ट लिफ्ट, कोर टाइट, दोनों डंबल आपके रहेंगे चेस्ट के नीचे और यहां से आप डंबल को पुल करते हुए पेल्विक बोन के पास लेके आए। जस्ट होल्ड इट हेयर एंड स्क्वीज योर अपर बैक एंड वहीं पे आप डंबल को वापस छोड़ें। थोड़ा रिदम से करें सो दैट आप अपनी अपर बैक में फील कर पाए। जब भी आप डंबल लिफ्ट करते हो, ब्रीद आउट। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग जो इस एक्सरसाइज को करते हैं वो डंबल को बिल्कुल सीधा सीधा छोड़ते हैं। तो बेसिकली डंबल जब भी आप छोड़ोगे चेस्ट के नीचे, यहाँ से लिफ्ट करेंगे, स्क्वीज करेंगे आप अपर बैक एंड ब्रीद आउट करेंगे। थोड़ा कंट्रोल वे में करें सो दैट आप अपने मसल पे फील कर पाओ। नंबर ऑफ सेट्स हम इसके भी करेंगे 3 और हर सेट में हम 10 से 12 रेपिटेशन करने की कोशिश करेंगे।
फिफ्थ एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं रिवर्स हाइपर एक्सटेंशन करने के लिए। मैं यहाँ पे एक बेंच का यूज़ कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको पेट के बल लेटना होगा बेंच पे, पर ध्यान रहे कि आपका पेल्विक बोन जो है वो बेंच के कॉर्नर में आए। सो मींस आपका लोअर बॉडी हवा में रहेगा। सो आई विल शो यू, जस्ट लाई डाउन आराम से। पेल्विक बोन मेरा बेंच के बिल्कुल कॉर्नर में है। उसके बाद मैं सपोर्ट ले लूँगा और दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करूँगा एंड अपनी लोअर बैक को स्क्वीज करूँगा एंड ब्रीद आउट एंड पैरों को वापस लेके आऊँगा। बस यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि पैरों को मुझे जब तक मेरा एक सेट नहीं हो जाता फ्लोर पे टच नहीं करना। सो मीन्स कंटिन्यू रेपिटेशन करने हैं, लाइक 1, 2, 3, 4। कंट्रोल वे से करें एंड फील इन योर लोअर बैक। और इसमें आप थोड़ा हाई रेपिटेशन करने की कोशिश करें, 15 से 20 ट्राई करो और नंबर ऑफ सेट्स आपको करने हैं 3। सिक्स्थ एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे डेडलिफ्ट। करने के लिए आपको दोनों डंबल को सामने की तरफ होल्ड करना होगा। उसके बाद आप नी को सॉफ्ट करेंगे, चेस्ट हमेशा लिफ्ट रहेगी एंड कोर टाइट। अब यहां से आप आराम से नीचे जाएं कंट्रोल वे में, डाउन 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 डाउन, और यहां से आप अपनी लोअर बैक की मदद से डंबल को खींचे और सीधे हो जाएं। यहां पे आपके दोनों शोल्डर्स जो है वो टाइट रहेंगे सो दैट आपके बैक के मसल एंगेज हो। उसके बाद आप आराम से फिर नीचे जाएं कंट्रोल वे में एंड होल्ड होल्ड होल्ड, और यहां से दोनों डंबल को खींचते हुए लो बैक को इन्वॉल्व करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। जब भी लिफ्ट करेंगे ब्रीथ आउट, आराम से करें। नंबर ऑफ रेपिटेशन में हर सेट में कोशिश करूंगा कि 10 से 15 करूं और 3 सेट यहां पे भी मुझे परफॉर्म करनी है। सेवेंथ एक्सरसाइज कर रहे हैं एज ए फिनिशर एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे लेटरल रेजेस विद वाई रेजेस। करने के लिए आपको बेंच पे लेटना होगा इस तरीके से, चेस्ट लिफ्ट करके। उसके बाद आप दो डंबल ले ले लाइट वेट और ग्रिप को आप रखेंगे अंडर हैंड लाइक दिस। उसके बाद आप एल्बोज को सीधा करते हुए लिफ्ट करें, जस्ट स्क्वीज योर मिड बैक, ब्रीद आउट, होल्ड फॉर अ सेकेंड एंड रिलीज इट स्लोली। ज़्यादा झटका ना मारें, आराम से लिफ्ट करें सो दैट आप अपनी मिड बैक को टारगेट कर पाए और आराम से ही रिलीज करें। जैसे ही आपके नंबर ऑफ रेपिटेशन हो जाएंगे 10, तुरंत हम करेंगे वाई रेजेस, जिसमें आपको डंबल को सामने होल्ड करना होगा इस तरीके से, और यहाँ से डंबल को लिफ्ट करते हुए आप शोल्डर से थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे। अगेन स्क्वीज योर मिड बैक एंड इसमें आपका ट्रेपीजियस मसल भी टारगेट होता है। सो जब भी डंबल लिफ्ट करें ब्रीद आउट करें एंड स्क्वीज एंड रिलीज कंट्रोल में। जैसे ही आपके वाई रेज के भी 10 रेपिटेशन हो जाएंगे वो आपका होगा एक सेट और आपको नंबर ऑफ सेट्स करने हैं 2। ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप सभी लोगों के लिए बनाता रहूँगा, आपके समक्ष आता रहूँगा। तब तक आप इस वीडियो को थोड़ा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। गुड बाय, नमस्ते।